ओके जी, तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है। आज बालाज की टीचर ने उसको एक पिक्चर दी है और मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये वाली फोटो थी जो बालाज की टीचर ने दी थी। जो हाय गाइस, वेलकम टू दिया। वो जो आ जाओ सब ध्यान से। अभी भी रट्टी चूल्हा जुड़ रही है, 9 बज गए हैं। भैया के ओके जी, तो हम लोग पार्क से निकल चुके हैं और अभी गा हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े धोए थे और पीछे से मुझे न्यूज़ आई है कि मेरे मेकअप प्रोडक्ट का हाल बुरा हो चुका है, जो कि बालाज ने किया है। मैं अभी आपको जाके दिखाती हूँ कि उसने क्या किया है। मैंने एक ब्लश ऑर्डर करके मंगवाया है तो उसने जो है ना वो लिया है, और क्योंकि मैंने उसको अंदर नहीं रखा था, बाहर ही रखा था, तो लेके अपने मुंह पे उसने लगाया है। ये आप देख सकते हैं पीछे इसके जो चीक्स हो रहे हैं ना, ये मेरा ब्लश उठा के इसने लगाया है। और जब खोल के जो है ना, ब्लश तो गाल पे लगाया ही, उसके अलावा आइस पे भी अपने लगा रहा था। इसको पता नहीं कैसे पता है कि ये आइस पे भी लगाए जाते हैं, तो आइस पे भी लगा रहा था। और अब वो सब हो गया है, कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं और अलीशा बैठ के अब सैंडविच खा रहे हैं, और अब सैंडविच खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। ओके जी, तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और अब जो है वो घर जा रही हूँ। जैसे ही घर से निकली ना तो अम्ब्रेला ले ली थी मैंने, तो जबकि मैप में मैंने उसमें देखा था वेदर में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। जैसे ही निकली हूँ तो पूरे काले काले बादल हो गए थे। अभी तो काम होगा लेकिन ये हो सकती है बात। अस्सलाम वालेकुम, बस ठीक ठाक। उस दिन ये लड़का गिरा था ना, तो मैंने इसको कहा था भागना नहीं, और इतना माशाल्लाह समझदार हो के ना भागता नहीं, आते वक्त आराम से चल के आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज बालाज की टीचर ने उसको एक पिक्चर दी है और मुझे दिखाई दे रहा है। दिखा दो मुझे प्लीज, दे दो। सेल्फी ली होगी उसने टैब में, तो वही पिक्चर दी है लेकिन दे नहीं रहा। तो ये वाली फ़ोटो थी जो बालाज की टीचर ने दी थी, जो पकड़ के लेके आ रहा था हाथ में। तो वो बता रही थी कि उनका जो टैब होता है ना, वो पकड़ के सेल्फी ले रहा था। हाय गाइस, वेलकम टू दिया एपिसोड। आज मैं आपको जिमनास्टिक सिखाऊंगी। ओके, तो आपको थोड़ा स्क्रैच करना होता है, आपको थोड़ा ऐसे करना होता है, आपको तो
ओके जी, तो आज खाने में बना है चिकन पुलाव, वो मैंने निकाल लिया है और साथ ही मैंने बना ली है लस्सी। तो हम लोग खाएंगे आराम से खाना, उसके बाद शाम में जो है वो बच्चों को पार्क में ले जाने का प्रोग्राम है तो पार्क चलते हैं। वेरी गुड, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम भैया कम 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 भैया गुड, ये जल्दी आ जाओ वो ध्यान से केयरफुल वेरी गुड गुड इधर इधर से आओ, इसके ऊपर से आओ, देख के गिर मत जाना। आ जाओ, पता नहीं है ना तुम्हारा कि तुम गिर भी जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 2 3 ये ये देखें, लड़की झूला झूल रही है, बालाजी ने भी थोड़ा बहुत झूला और उसके बाद जो है ना वो फुटबॉल के लिए रोने लगा, तो फुटबॉल अलीशा लाई थी पर गाड़ी में था तो हस्बैंड को लेके गए के लेके आते हैं गाड़ी। अभी यहाँ पे झूला झूल रही है और मुझे बुला रही है बाबा कि पुश करो। हाँ ऐसे अलीशा, गुड गुड वेरी गुड। अरे वो फुटबॉल लेने गए हैं भैया जो है ना, फुटबॉल के लिए रो रहा है। अभी भी रखी झूला झूल रही है, 9 बज गए हैं और 9 बजे देख सकते हैं कितना उजाला हो रहा है। अब आजकल जो है ना नाइट टाइम देर से होता है। भैया किक किक करो, भैया किक करो, गो गो भैया किक करो, गो भैया किक करो, बॉल को किक करो, अलीशा बॉल के साथ खेलो, कुछ भी नहीं होगा ली। गुदी गुदी ओके जी, तो हम लोग पार्क से निकल चुके हैं और अभी गाड़ी में बहुत ही हंगामा हुआ है, बहुत ही बड़ी फाइटिंग हुई है विद
अलीशा की किसके साथ हुई है बताओ? विद ब्रियान ने काट ली मुझे विद थ्री फिंगर। नहीं, फाइट किसके साथ हुई है? फाइट बाबा के साथ हुई है ना। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो बालाज थोड़ा सा रोना धोना कर रहा है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी अंदर अंदर खराब है और थोड़ा सा वहाँ खेल के थक गया। उसके बाद अलीशा हम लोग वहाँ से निकले तो अलीशा ने कहा कि पापा गर्मी हो रही है शीशा खोल दो, तो पापा ने शीशा खोल दिया। उसके उसके बाद अली ने कहा कि और थोड़ा शीशा खोल दो, तो पापा ने गुस्से में शीशा बंद कर दिया कि मैं ना शीशा बंद करके एसी खोल लेता हूँ। अब जब एसी खोला तो अलीशा ने कहा कि मुझे उडल खाना है। उडल होता है फ्राइज और चिकन समथिंग। तो बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा। दोनों में लड़ाई हो रही थी और वो रो रही थी पीछे कि मैं रो रही हूँ और बाबा भी रो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। तो जो है ना फिर मैंने कहा नहीं अब तो मेरी बेटी रोई है तो उसका हम उडल खिलाएंगे। बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। मैं कहा नहीं मैं खिलाऊंगी। तो फिर गाड़ी को टर्न किया एंड वापस उडल लेने के लिए आए हैं। हम गाड़ी में बैठे और बाबा उतर के गए उडल लेने के लिए। तो ये दोनों देखने जरा, ये लड़का ये बैठा हुआ और ये क्या कर रही है? ब्लड बांधने के लिए होता है। तो ये सब हुआ है, वो हो गया है, ये हंगामा हो गया गाड़ी के अंदर एक तरीके का। और मौसम आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा हो रहा है और मतलब लेकिन थोड़ी सी गर्मी भी है। तो गाड़ी में भी जो है एसी चला लिया और देख सकते हैं दोनों लड़के उठा के दे दो ना। तो वो बिल्कुल जो है ना मूड में नहीं है भैया। उसकी तबीयत ना अंदर वही नज़ला हुआ है ना तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा अंदर सुस्ती सी हो रही है उसको ना। तो ये है। और उसके अलावा ना मैंने यहाँ पे एक कैफे देखा है, न्यू कैफे खुला हुआ है। इसका नाम है रिजला और मैं हमेशा ढूंढती थी, मुझे आज दिखा है। देखें अभी इसका एंट्रेंस, ये आप ये देख सकते हैं, ये मेरी फिंगर नजर नहीं आ रही, ये इसका एंट्रेंस है मुझे लग रहा है। और हमेशा मैं देखती थी ना इस तरफ उसका एंट्रेंस दिखता था ना उस तरफ, इसका एंट्रेंस यहाँ से बना हुआ है। ये एंट्रेंस है पता नहीं है, एंट्रेंस ही लग रहा है मुझे। तो आएंगे कभी यहाँ पे, क्या है देखेंगे।